So, आज हम सर्वाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के एक ऐसे वायु में जहाँ पे ना ही कोई ट्रीज है, ना ही कोई एनिमल्स और ना ही कोई रिसोर्सेस। इसका मतलब आज हम सर्वाइव करने वाले हैं मशरूम ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी से छोटी चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन मशरूम ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। पर वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने रिसेंटली एक चैलेंज लिया है जिसमें हमें बीट करना है गेमर फ्लिट भैया को इन सब्सक्राइबर्स, और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग बहुत ज्यादा करीब उनको सब्सक्राइबर्स में क्रॉस करने के। तो प्लीज यार चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अब चलिए वीडियो को जल्द करते शुरू। सो डे वन पे हम लोग स्पॉन हुए थे मशरूम बायो में, और भाई हर जगह बस यहाँ पे मशरूम ही मशरूम है, ना ही कोई ट्रीज है और ना ही कोई एनिमल्स। यहाँ पे बस एक मशरूम काव है जो कि आपके हंगर बार को फुल कर सकता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पे एक भी ट्रीज नहीं है तो हम लोग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर सकते विदाउट वुड। सो पहले तो हमने बहुत सारे मशरूम काउस को मारा, एंड देन हमें आइडिया है कि इस वर्ल्ड में वुड लाने का बस एक ही तरीका है, माइनशाफ्ट। और माइनशाफ्ट हम लोग को ज़मीन के नीचे मिल सकता है, तो हम लोग जल्दी से गए और एक नीचे वाले टेरेन में गए जहाँ पर हम लोग को ज़्यादा माइनिंग ना करना पड़े, एंड देन हम लोग अपना माइनिंग स्टार्ट कर लिए। सो बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद हम लोग को फाइनली एक माइनशाफ्ट मिल गया, और ये माइनशाफ्ट को ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा क्योंकि हम लोग को सिर्फ हाथ से माइन करना पड़ रहा था स्टोन, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। बट यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद फाइनली हम लोग को एक माइनशाफ्ट मिल गया। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने जितने हो सके उतने वुड कलेक्ट किए, हमने दो यहाँ पे वुडन के पिकैक्स बनाए, एक वुडन का पिकैक्स मैंने भाई को दे दिया, एंड देन हम लोग बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने लग गए। एक बार हम लोग के पास इनफ कॉबलस्टोन आ जाने के बाद हम लोगों ने अपना कॉबलस्टोन का टूल्स बनाया, जैसे कि कॉबलस्टोन के पिकैक्स, कॉबलस्टोन का एक्स एंड कॉबलस्टोन के स्वॉर्ड। अब जैसे कि आपको पता है कि माइनशाफ्ट में आपको सिर्फ वुड नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारे रिसोर्सेज। तो मैंने जल्दी जल्दी भाई को यहाँ पे कॉबलस्टोन के सारे टूल्स दे दिए, एंड हम लोग चले गए यहाँ पे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। तो हमें इस माइनशाफ्ट से बहुत सारे ओर्स जैसे कि आयरन, कोल, लैपिस ये सब मिले, बट यहाँ पे हम लोग को डायमंड एक भी नहीं मिला। तो भाई ये तो हम लोग का बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब है, बट कोई बात नहीं, हम लोग फ्यूचर में डायमंड भी कलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे सरफेस पे, एंड अपने पास थे यहाँ पे बहुत सारे आयरन। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने एक फर्नेस सेटअप किया, एंड सारे आयरन को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। अब यहाँ पे जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए प्लेस को, एंड यहाँ पे बहुत सारे मशरूम काउस को भी हम लोगों ने मार दिया खाने के लिए क्योंकि भाई इस वर्ल्ड में खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनली अपना सारा आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने पूरा आयरन को कलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे आयरन के बहुत सारे आर्मर जैसे कि हेलमेट, पैंट्स, चेस्ट प्लेट और बाकी सब बना लिए, एंड यहाँ पे टूल्स भी बना लिए क्योंकि ये भी हम लोग को फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। एंड देन उसके बाद मैंने भाई को भी उसका आर्मर दे दिया, एंड मैंने भी पहन लिया, और अब हम लोग थे प्रोटेक्टेड। भले ही इस बायो में आपको एक भी मॉब देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट जब हम लोग नेदर जाएंगे तो ये आयरन आर्मर का बहुत ही ज्यादा काम आएगा। सो यहाँ पे सारे जो हम लोगों ने मशरूम काउस को मारे थे उसका मीट भी हम लोगों ने कुक कर लिया, एंड फ्री टाइम में आप देख सकते हो मैं और भाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन लगा रहा था कि कौन ज्यादा मशरूम एक लाइन पे लगा पाता है। सो या हम लोग ऐसे करके टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो अपना सारा काम यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने अपना फनेंस को कलेक्ट कर लिया, एंड देन हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गए और एक अच्छा जगह सा तलाश में हम लोग निकल गए जहाँ पे हम लोग मतलब अपना वर्ल्ड को सेटअप कर पाए। सो यहाँ पे बहुत देर का एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को एक अच्छा जगह मिल गया जहाँ पे हम लोग अपना घर बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे टूल्स बनाए, एंड देन यहाँ पे चले गए हम लोग माइनिंग करने के लिए डायमंड्स के लिए एंड और रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि हम लोग अपने घर को स्टार्ट कर पाए बनाना। सो लकीली इस बार अपना किस्मत बहुत ही ज़्यादा मस्त था क्योंकि हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग करना भी नहीं पड़ा, और हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे डायमंड्स भी मिल गए थे, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा मस्त है। सो यहाँ पे हम लोग माइनिंग करने के बाद आ गए थे सरफेस पे वापस, और अपने पास बहुत सारे डायमंड्स थे, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे सारे डायमंड के आर्मर बना लिए, एंड दो पिकैक्स भी बना लिए, एंड देन मैंने भाई को भी उसका आर्मर दे दिया। सो अब हम लोग का टाइम था नेदर जाने का क्योंकि नेदर हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टाइप के वुड मिल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग चले गए केव में, एक हम लोगों ने लावा पिट को ढूंढा, एंड वहाँ पे हम लोग ऑब्सीडियन माइन करना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग फर्स्ट सोच रहे थे कि पहले यहाँ पे एक घर बना लेने का, बट हम लोग को फिर याद आया कि अपने पास वुड ही नहीं है, तो सबसे पहले हमने सोचा कि नेदर जाया जाए और वहाँ पे बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए जाए। सो हम लोग फिर से वापस आ गए थे सरफेस पे, एंड अपने पास यहाँ पे इनफ ऑब्सीडियन हो गए थे, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने एक नेदर पोर्टल बना लिया एंड उसको लाइट अप भी कर दिया। सो यहाँ पे अपने पास डायमंड आर्मर तो था, बट यहाँ पे गोल्ड हम लोग को बहुत ज़्यादा कम मिला था क्योंकि हम लोग गोल्ड के लेवल पे माइनिंग नहीं कर रहे थे। सो यहाँ पे हम लोगों ने गोल्डन बूट्स बनाना भूल गए, बट यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम लोग को पिगलिन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
हाँ मतलब वो अलग बात है कि हम लोग दो बार पिगलिन से मरते मरते बचे हैं, बट कोई बात नहीं, पिगलिन हम लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सो यहाँ पे नेदर में स्पॉन होने के बाद हम लोग थोड़े बहुत क्वार्ट्ज माइन किए एंड देन चले गए हम लोग एक फॉरेस्ट की तलाश में। एंड बहुत देर तक यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को एक रेड फॉरेस्ट भी मिल गया था और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने सारा वुड को कलेक्ट कर लिया। मतलब यार इस वर्ल्ड में पहली बार इतने दिनों के बाद एक वुड देखने में जो खुशी मिल रही थी भाई, वो हमें ही पता है। सो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के बाद पोर्टल में वापस आ गए थे और अपने पास बहुत सारे रेड वुड थे, बट हम लोग को यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट नहीं मिला था। हम लोग बहुत ढूंढे, बट हम लोग बाद में यूज़ होगा तो उसको भी ढूंढ लेंगे। सो उसके बाद हम लोग चले आए अपने ओवरवर्ल्ड में वापस और अपने पास बहुत सारे वुड थे जिससे हम लोग अब अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते थे। बट सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एरिया क्लियर करना था क्योंकि अपना एरिया बहुत ही ज़्यादा मेसी था और बहुत कम स्पेस था। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले डर्ट थोड़ा बहुत क्लीन करने से स्टार्ट किया एंड देन यहाँ पे थोड़े बहुत गड्ढे थे तो उसको भी हम लोगों ने भर दिया। एंड बहुत देर के मेहनत के बाद ये है रिजल्ट, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग को बहुत बड़ा स्पेस मिल गया जहाँ पे हम लोग अपने फ्यूचर के फार्म्स एंड अपना घर भी बना सकते हैं। तो हम लोग अपने घर के लिए आइडिया सोच रहे थे, हम एक आइडिया है कि क्यों ना एक अंडरग्राउंड बेस बनाया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लगेगा एंड बहुत सारे हम लोग अंडरग्राउंड में रूम्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना नेदर पोर्टल को शिफ्ट किया क्योंकि वो एकदम बीच में था एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे ग्रीन वाला वुड कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम लोग को बहुत सारे वैरायटी मिल जाए। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना ग्रीन वाला फॉरेस्ट भी ढूंढ लिया था जो कि है क्रिम्सन फॉरेस्ट एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वुड काटे एंड देन हम लोग आ गए अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। सो उसके बाद आप देख सकते हो अपने पास ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स है जिससे हम लोग अपने घर को बना सकते हैं। तो बस उसके बाद हम लोगों ने अपना घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो उसके बाद हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड घर बनाया। इसके मेजर दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि अपने पास रिसोर्सेज की कमी है और अंडरग्राउंड घर बनाने से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम लगते हैं, और दूसरा रीज़न है कि हम लोग अंडरग्राउंड घर ज़्यादा बनाते नहीं है तो ये वाला कुछ अलग होगा। सो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया अपने घर को डिज़ाइन देने के लिए एंड बहुत सारे डेकोरेटिव सामान लगाने के लिए एंड फाइनली अपना घर यहाँ पे बन के हो गया था रेडी। अब देखो ये उतना तो अच्छा है नहीं, बट जितना हम लोग को सामान मिला था उसमें हम लोग ये बनाए एंड इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक बार आपको भी दिखा देखते हैं और आप भी कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और 10 में से आप इस घर को कितना रेट देना चाहोगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेन एक वेरेंडा है एंड वहाँ पे नीचे चार रूम्स है और हर एक रूम में यहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ें रखेंगे, जैसे कि एक ब्रूइंग रूम है, एक हम लोग का चेस्ट रूम है और एक हम लोग का एंजॉयमेंट रूम है। तो ये था अपना पूरा घर, आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना और रेटिंग भी दे देना। सो घर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर थोड़ा घूम रहे थे एंड हमें एक स्पॉट हुआ वंडरिंग ट्रेडर, तो जल्दी जल्दी हम लोग उसके पास चले गए एंड जब हमने उसका ट्रेड चेक किया तो भाई इतने अच्छे अच्छे उसके पास ट्रेड थे, मतलब उसके पास ब्रिज का सैपलिंग था और जंगल का सैपलिंग थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि अपने पास बिल्कुल भी एमरल्ड्स नहीं थे और कोई विलेजेस भी नहीं था जिससे हम लोग एमरल्ड ले पाए, तो हम लोगों ने उस वैंडरिंग ट्रेडर को एक बोट के अंदर बैठा दिया, होपफुली वो डिस्पॉन ना हो जाए। सो उसके बाद हमने सोचा कि अगर हमें विलेजर को क्योर करना है तो हम लोग को यहाँ पे ब्लेस पाउडर चाहिए होंगे एंड हमें यहाँ पे उसके लिए नेदर फोर्ट्रेस जाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग चले गए यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में। एंड जैसे कि आपको पता है कि नेदर में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड ऊपर से ये नेदर फोर्ट्रेस बहुत ज़्यादा दूर भी था, तो इसको ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट फाइनली हम लोगों ने एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ लिया और इसमें था एक ब्लेज स्पॉनर, तो जल्दी जल्दी हम लोग चले गए बहुत सारे ब्लेजेस मारने के लिए। सो हमने पहले तो यहाँ पे खूब सारे ब्लेजेस को मारा एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए एंड एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को थोड़े बहुत यहाँ से नेदर वॉट भी मिल गए एंड सबसे ओपी चीज़ कि यहाँ पे हम लोग को दो चेस्ट मिल गए एंड दोनों चेस्ट में यहाँ पे नेदर वॉट एंड डायमंड थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त था। सो सभी को कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए अपने नेदर पोर्टल में वापस एंड वहाँ से हम लोग चले गए अपने ओवरवर्ल्ड में। सो यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया क्योंकि ब्रूइंग स्टैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको यहाँ पे पोशन बनाने हैं, तो वो भी हमने एक बना लिया एंड अपने पास बाकी सारे सामान थे जिससे हम लोग पोशन बना पाए। सो ये सब काम तो अपना हो गया था, बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया था जो कि था एक्सपी फार्म, क्योंकि एक्सपी फार्म से हम लोग को यहाँ पे जॉम्बी विलेजेस मिल सकते हैं एंड बहुत सारे एक्सपीज भी मिल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग गए एंड बहुत सारे यहाँ पे कॉबलस्टोन्स कलेक्ट करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और पता नहीं क्यों यार ये मशरूम वाला वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वेदर चेंज हो रहा है भाई, आपको पता होगा तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। सो उसके बाद हम लोगों ने बहुत देर तक कॉबलस्टोन कलेक्ट किए और आप देख ही सकते हो अपने पास कितने सारे कॉबलस्टोन है एंड ये करने के बाद हम लोगों ने अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया।
अब अगर आप हमें बहुत सारे वीडियोस से या तो बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये वाला एक्सपी फार्म हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड में, हर एक वर्ल्ड में हम लोग बनाते हैं और शायद अभी तक आपको भी याद हो गया होगा। सो फाइनली अपने यहाँ पे एक्सपी फार्म बन के हो गया था रेडी और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत एएफके कर रहे थे एंड अपना एक्सपी फार्म बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे एक्सपी फार्म में मॉब्स स्पॉन हो गए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर तक बहुत सारे मॉब्स को मारा एंड अपने यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होने का वेट करते रहे। एंड देन फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद अपने यहाँ पे दो ज़ॉम्बी विलेजर्स आ चुके थे एक्सपी फार्म में, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे एक बोट लगाया एंड देन ज़ॉम्बी विलेजर्स के लिए यहाँ पे एक रास्ता बना दिया जैसे कि वो लोग आराम से आ पाए और इस बोट में बैठ जाएं। एंड ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करने के लिए अपने पास सब कुछ था और अगर आप सोच रहे हो कि हमें गोल्डन एप्पल कहाँ से मिल गए, तो नेदर में जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तब हमें दो रुइन नेदर पोर्टल मिले थे जहाँ से हमें गोल्डन एप्पल मिला था। एंड ये हम लोग इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि यार वीडियो फाइल ही करप्ट हो गया, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हर वीडियो में करप्ट हो जाता है। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पोशन ऑफ वीकनेस बना लिए एंड देन हम लोग चले गए अपने विलेजर्स के पास एंड बस इसको थ्रो करना था एंड उनको जॉम्बी का वाला एप्पल खिलाना था एंड वो लोग क्योर हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी पोशन ऑफ वीकनेस उनको थ्रो कर दिया, एक एक गोल्डन एप्पल खिला दिया एंड भाई को भी यहाँ पे मैंने क्योर कर दिया क्योंकि वो भी पागल जैसा हरकत कर रहा था। एंड भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये सच में मतलब पागल हो गया, इसने गोल्डन एप्पल को भी खा लिया और यह पागल जैसा बिहेव भी कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही क्योर हो रहा है। सो उसके बाद हमने इन तीनों का क्योर होने का वेट किया एंड फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद ये तीनों जो हैं वो क्योर हो चुके हैं एंड अब हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगने वाले हैं क्योंकि भाई ये हम लोग को बहुत ज़्यादा सस्ते में ट्रेड दे सकते हैं। सो आपको तो वो पहला वाला वंडरिंग ट्रेडर याद ही होगा जो हम लोग को सैपलिंग दे रहा था, बट वो हो गया था डिस्पॉन एंड नेक्स्ट यहाँ पे वंडरिंग ट्रेडर आ गया था जब हम लोग अपने घर के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब अपने नहीं विलेजर के घर के ऊपर काम कर रहे थे, बट अब ये आ चुका है और ये हमें स्प्रूस का वुड भी दे रहा था। तो भाई स्प्रूस का वुड से हम लोग अगर घर बनाते तो बहुत ही ज़्यादा ओपी लगेगा। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बनाया, एक विलेजर को फ्लेचर बनाया एंड उसके साथ बहुत सारी ट्रेडिंग कर ली। अब मतलब यार हम लोगों ने पहले सोचा था कि विलेजर का घर भी हम लोग अंडरग्राउंड बना सकते हैं, बट हमने सोचा कि दोनों घर अगर अंडरग्राउंड लगेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोगों ने विलेजर का घर को सोचा ऊपर बनाने का। बट अब हम लोग के पास स्प्रूस का सैपलिंग आ गया तो अब तो हम लोग ज़रूर ऊपर बनाने वाले। सो अपने पास यहाँ पे इनफ एमरल्ड आ चुके थे एंड इनफ एमरल्ड आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे उस वेंडरिंग ट्रेडर के साथ ट्रेड कर लिया और भाई मतलब इतना अच्छा अच्छा ट्रेड दे रहा था, मतलब सच कहता हूँ। और उसने हमें स्प्रूस का सैपलिंग दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले तो हम लोगों ने स्प्रूस का सैपलिंग ग्रो किया एंड देन फाइनली हम लोगों ने विलेजर के घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये वाला घर बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है और ये वाला घर हम लोग अपने से बना रहे हैं, तो भाई थोड़ा अगर इधर उधर हो जाता है तो माफ़ कर देना, हम लोग उतने अच्छे बिल्डर हैं नहीं। सो फाइनली अपने यहाँ पे विलेजर का घर हो चुका था रेडी और जैसे कि आप देख सकते हो अंदर में यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस है विलेजर्स को रखने के लिए एंड बाहर से भी ये थोड़ा बहुत कूल दिख रहा है। सो अब टाइम था एक फ्लेचर से ट्रेड करने का, मतलब क्लरिक से ट्रेड करने का, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एंडर पल मिल सके एंड हम लोग जा सके यहाँ पे एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग विलेजर के घर के अंदर गए एंड एक विलेजर को हम लोगों ने यहाँ पे क्लरिक बना दिया और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी थे एमरल्ड, तो उससे हम लोगों ने इससे ट्रेड भी कर लिया। एंड भाई जैसे कि आप बता सकते हो अपनी किस्मत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओपी थी क्योंकि ये वाला क्लरिक जो है वो हमें दे रहा था एंडर पल, मतलब 40% 50% ऑफ द विलेजर्स देते हैं एंडर पल एंड कुछ बार हम लोग को नहीं भी दे सकते हैं, बट अपना किस्मत इस बार अच्छा था क्योंकि ये हम लोग को एंडर पल दे रहा था। सो क्लरिक के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड तो कर लिया था बट अपना जो डायमंड आर्मर था वो बिल्कुल भी इंचांटेड नहीं था और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना लिया जाए एंड उससे बहुत सारे बुकशेल्फ ट्रेड कर लिए जाए। सो उसके बाद हम लोग चले गए एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने के लिए, अपना लेक्टन टेबल प्लेस किया एंड देन थोड़ा देर वेट किया एंड उसके बाद एक रिपीटल जब लाइब्रेरियन बन गया तो उसके साथ हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेडिंग कर ली। सो यहाँ पे हम लोग जब ट्रेडिंग कर रहे थे तो विलेजर का लेवल अप हुआ एंड वो हमें क्या दे रहा था भाई, इन्फिनिटी का बुक, मतलब रियली यार हमें वो इन्फिनिटी का बुक दे रहा था एंड वो भी 6 एमरल्ड का बदले, भाई हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी थे। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने 2 बुक ले लिया और ये हम लोग को फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। सो उसके बाद हम लोग चले गए एंड देन हम लोगों ने अपने लिए एक इंचाइमेंट टेबल भी बना लिया क्योंकि अपने पास पहले से ऑप्सीडियन एंड डायमंड दोनों रखे हुए थे एंड देन हम लोग चले गए अपने इंचाइमेंट टेबल को प्लेस करने के लिए। सो पहले तो हमने सोचा कि अपने इंचाइमेंट टेबल घर में प्लेस कर देते हैं, बट घर में बार बार जाना पड़ेगा एंड देन फिर से हम लोग को इंचाइंट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने बाहर प्लेस कर दिया, बट फ्यूचर में हम लोग इसको घर में शिफ्ट कर देंगे।
एंड देन अपना इंचैमेंट टेबल सेट होने के बाद हम लोगों ने अपना इंचैमेंट सेट किया एंड फिर हम लोग लग गए यहाँ पे बहुत सारे इंचैमेंट्स करने के लिए। एंड बहुत देर तक इंचैमेंट करने के बाद आप देख सकते हो ये है अपनी इंचैमेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं। सो ऑलरेडी अपने आर्मर में हर एक में यहाँ पे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, अनब्रेकिंग 3 लगे हुए हैं जो कि अपने आर्मर को ओपी बना देता है। अपने स्वॉर्ड में यहाँ पे शार्पेंस लगा हुआ है, पिकैक्स में सिल टच है एंड ये है भाई का इंचैमेंट्स और ये सब में भी प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, सिल टच लगा हुआ है और ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है। सो अपना आर्मर इंचैंट करने के बाद हम लोगों ने जल्दी से अपना आई ऑफ एंडर बना लिया एंड देन हम लोग अब रेडी थे एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले अपना आई ऑफ एंडर हम लोगों ने थ्रो किया एंड जो साइड में वो पॉइंट कर रहा था उस साइड में हम लोग निकल गए अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। सो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर में था तो बहुत ज़्यादा हम लोग को ट्रैवलिंग करनी पड़ी, बट इवेंचुअली हम लोग पहुँच गए स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोकेशन पे। देन हम लोग माइन आउट किए, मतलब नीचे माइन किए एंड देन हम लोग को यहाँ पे एक लाइब्रेरियन मिल गया। पहले तो हम लोग को लाइब्रेरी मिला एंड देन लाइब्रेरी में भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंचैंटेड बुक्स थे तो उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया एंड देन हम थोड़ा बहुत लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने लग गए एंड थोड़ी देर के बाद हमें और एक लाइब्रेरी में बुक मिल गया और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे इंचैनमेंट्स थे। तो जल्दी जल्दी हम लोग गए चेस्ट के पास एंड सारे बुक्स को कलेक्ट कर लिया। सो अपना पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूटने के बाद हम लोग चले गए यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड का पोर्टल को ढूंढने के लिए जो कि होता है एंड पोर्टल। एंड फाइनली हम लोग का एंड पोर्टल मिल गया तो उसको हम लोगों ने जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर दिया विद आवर एंडर आइज। एंड एक्टिवेट करते समय हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इस बार हमें क्या पता क्यों डर लग रहा था, बट फिर भी हम लोग को इस बार जाना तो था तो हम लोग चले गए अपने एंड में। और जैसे कि आपको पता है कि भाई हर जगह यहाँ पे पहले चला जाता है तो इस बार भी एंड में वो पहले चला गया एंड देन मैं उसको फॉलो किया और उसके पीछे पीछे चला गया एंड फिर हम लोग चले गए ऊपर एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। तो सबसे तो पहले हम लोगों ने उसका सारे क्रिस्टल्स फोड़े जिसका उसका हेल्थ बढ़ता है एंड देन फिर हम लोग एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिए। एंड जैसे कि आपको पता है एंडर ड्रैगन को हराना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भोला होता है ना ये बेचारा, एक बार एक ही जगह पर आता है बार बार तो इसको पता नहीं होता कि दुनिया कितनी ख़राब है, तो इसको इसलिए इसे हम लोग बार बार ईजिली इसको मार देते हैं। इस बार भी इसको ईजिली हम लोगों ने मार दिया एंड भाई इसका एंड एनिमेशन इतना मस्त, इसका एंड एनिमेशन मुझे लगता है मतलब माइनक्राफ्ट में सबसे बढ़िया एनिमेशन इसके मरने का ही मुझे लगता है। एंड देन फाइनली हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को यहाँ पर हरा ही दिया था एंड इसके पास बहुत सारे एक्सपीस थे तो वो भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए थे। मतलब यार ये बहुत सारे एक्सपीस दे रहा था तो वो तो हम लोग को कलेक्ट करने ही थे एंड साथ ही साथ हम लोगों ने एंडर ड्रैगन का एग भी कलेक्ट कर लिया क्योंकि ये भी हम लोग को फ्यूचर में कभी भी यूज़ लग सकता है तो क्यों भाई छोड़ के जाएं। एंड अब हम लोग का टाइम था घर वापस जाने का तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर घूमे एंड देन थोड़े बहुत एंडर मैन को मारने के बाद चले गए अपने घर में वापस। सो फाइनली यहाँ पे एंडर ड्रैगन को हमने हरा दिया था और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे उसका हराने के बाद, मतलब किसको खुशी नहीं होगी भाई एंडर ड्रैगन को हराने के बाद। सो उसके बाद हम लोगों ने एंडर ड्रैगन से जो एग लिया था उसको अपने घर के पास प्लेस कर दिया एंड फाइनली अपना यहाँ पे 100 डेज हो गया था ओवर। सो लास्ट टाइम के लिए हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमे एंड अपना सारे जगह को देख लिया क्योंकि हम लोग इधर वापस आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। एंड ये वाला वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, अगर देखने में आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप ये सब वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा ओपी है।